बॉलीवुड में एक वेब सीरीज आई सीक्रेट गेम, जिसका डायलॉग था कि कभी कभी लगता है कि आप उन इस भगवान है। ये डायलॉग इसलिए आज आपको बता रहे हैं कि जैसे यूपी में ब्रजभूषण सिंह वो कह रहे हैं कि कौन मेरा टिकट काट सकता है, ठीक उसी तरह से अब बिहार के आरा के संसदीय क्षेत्र से आर के सिंह है, उनका कहना है कि हमने जो बोल दिया वही होगा और इसी को लेकर उन्होंने अपने टिकट तक का फैसला खुद ही कर दिया है। आपके पीछे ये तीन तस्वीरें हैं जिसमें अमित शाह, दूसरे नीतीश कुमार और बीच में है आर के सिंह। आर के सिंह का पहले बयान सुन लीजिए, उसके बाद आपको इसकी पूरी कहानी बताएंगे कि जिस सीट से आर के सिंह ने दावा ठोका है उसको लेकर क्या विवाद हो सकता है। केंद्रीय मंत्री आर के सिंह का कहना है कि कोई और मुझे लेकर फैसला कैसे कर सकता है, मैं अपना फैसला खुद ही लूंगा, मेरे फैसले में कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकता है। आर के सिंह ने ये बयान ऐसे समय में दिया है जब बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं है और दोनों जेडीयू और एनडीए जो बीजेपी से अलग हुए हैं उसको लेकर भी तकरार जारी है। कहा जा रहा है कि कौन किस सीट से उतरेगा, इस पर भी लड़ाई जारी है। सीटों के बंटवारे को लेकर हालांकि बीजेपी ये भी कह रही है कि हमने अपना फैसला तैयार कर लिया है और सभी सीटों पर हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन इसके बीच में केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने जो बयान दिया है उसको लेकर ये बात कहना बहुत ही मुश्किल है कि क्या बीजेपी इस सीट को कैसे तालमेल बैठाएगी, क्योंकि जिस सीट से केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने बयान दिया है उसी सीट आरा को लेकर 6 महीना पहले ही भोजपुरी के स्टार हैं पवन सिंह ने भी ये दावा ठोका था। उन्होंने भी अपनी इच्छा जताई है कि मैं आरा से ही लड़ना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने अब बॉलीवुड तो नहीं कहेंगे लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के बाद उन्होंने भी अब बीजेपी ज्वाइन कर लिया। खुले तौर पर कहते रहे हैं कि आरा से मैं चुनाव लड़ूंगा। इस बीच में केंद्रीय मंत्री का यह बयान कितना मायने रखता है ये समझने वाली बात है, लेकिन आर के सिंह का पहले वो बयान सुन लीजिए। सर जी, आपका टिकट नहीं कटने वाला है फिर? हो गया भैया, आपके हाथ में हो तो काट देना, छोड़ो। आपको टिकट मिल रहा है? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। ब्रजभूषण जी, काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? आपके बारे में कहा जा रहा है कि सर आप लोग अब चुनाव नहीं लड़ेंगे? जो नहीं, बिल्कुल लड़ेंगे जी। हमारे बारे में कोई दूसरा निर्णय कैसे ले लेगा, वो निर्णय तो हम अपने बारे में खुद करेंगे ना। तो अब हल्ला उड़ा है कि हम गवर्नर बन के जा रहे हैं, हम कहीं गवर्नर बन के नहीं जा रहे। आप आरा से चुनाव लड़ेंगे? आरा से लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे जी। अब ये सब बयान इसलिए भी है क्योंकि भोजपुरी एक्टर पवन सिंह 6 महीने पहले ही आरा से लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर चुके हैं और इस बीच में आर के सिंह का ये बयान है जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और राजनीतिक गलियारों में ये एक तरह से अपने आप को दावा ठोकना हो गया कि मैंने जो कहा वही सही है। लेकिन आर के सिंह के बारे में आपको बताते हैं कि आर के सिंह 2013 में बीजेपी ज्वाइन किए थे। आर के सिंह पूर्व आईएएस ऑफिसर भी हैं और उन्होंने 2013 में ही बीजेपी ज्वाइन की थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा था कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अन्य पार्टियों की तरह राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं करती। आर के सिंह ने 2014 में श्री भगवान सिंह को वहां से हराया था और बाद में सरकार बनने पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भी बने थे। आर के सिंह ने 2019 में फिर से आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। इस बार सीपीआई एमएल के राजू यादव को हराकर अपनी सीट को बरकरार रखी। आपको यह भी बता दें कि आर के सिंह पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, 2014 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े और केंद्रीय मंत्री बने। इससे पहले वो केंद्रीय गृह सचिव थे। उन्होंने 2019 में फिर से उसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अलग चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह बीजेपी के टिकट पर आरा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसी बीच अब चर्चा है कि आर के सिंह वहां से लड़ेंगे और वो दावा भी ठोक रहे हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे को दोहराने की रणनीति भी बना ली है। 2019 में एनडीए गठबंधन ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 पर जीत दर्ज की थी, लेकिन ये पिछली बार की बात है। बीजेपी ने 2024 को लेकर मिशन बिहार को लेकर भी काफी जोर से कोशिश किया है, पुरजोर कोशिश है और ये प्लान भी तैयार है, क्योंकि पिछली बार वो नीतीश कुमार के साथ थे और नीतीश कुमार भी उनके साथ थे, लेकिन इस बार एनडीए में फूट है। एनडीए से अलग हो चुके हैं नीतीश कुमार, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए घटक दलों के साथ सीट बंटवारे का फार्मूला भी लगभग बीजेपी के अनुसार से तय हो गया है, लेकिन अगर सीट बंटवारा होती है तो कैसे होगा? जेडीयू से अलग होने के बाद
अब बीजेपी सीटों की भरपाई सहयोगियों के जरिए करेगी। चिराग पासवान और पशुपति पारस को पिछली बार की तरह 6 सीटें मिलेंगी। जीताराम मांझी के सीटें को 1, उपेंद्र कुशवाहा के सीटें को 2 दिए जाएंगे। उनको 2 सीटें का फॉर्मूला दिया गया है और यह फॉर्मूला कितना कारगर साबित होगा ये भी देखने में दिलचस्प बात होगी। वहीं बीजेपी ने जेडीयू में भी सेंधमारी की है। जेडीयू के 6 सांसद पाला बदलने को तैयार है। बीजेपी मौजूदा 3 से 4 सांसदों का टिकट काटने के साथ कुछ सांसदों को अपने मिलाने में अभी भी कोशिश कर रहे हैं ताकि जेडीयू के कुछ सांसद भी उनमें शामिल हो जाएं। लेकिन उनका पाला बदलना कितना आसान बात है ये भी आने वाले चुनाव में ही बताएगा। लेकिन सर्वे की अगर बात करें तो बीजेपी के लिए सर्वे चिंताजनक है। बीजेपी में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बीजेपी नेता अमित शाह का दावा है कि 2024 के आम चुनाव में एनडीए सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। लेकिन एक ताजा बीजेपी सर्वे है जो बिहार को लेकर है, उसमें ये कहा जा रहा है कि 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को 39 सीटें मिली थी, लेकिन तब से अभी का स्थिति काफी बदल चुका है। नीतीश कुमार साथ में नहीं है, एनडीए के साथ में पहले थे, अब वो दूर हो गए हैं। इंडिया टुडे के सर्वे को अगर देखें तो अब तक की सबसे बड़ी चुनौती इसी छोर से मिलती है। लेकिन इस सब को मिलाकर जो बयान आया है आरके सिंह की तरफ से, उसको लेकर बिहार के गलियारे में बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत को हिला दिया है, क्योंकि वो खुद को ही ये कहने लगे हैं कि मुझे यहाँ से कोई नहीं हटाएगा और मैं यहाँ आरा सीट से चुनाव लड़ूंगा ही। आरा में 2 लड़ाई होगी। सीधे शब्दों में समझें तो एक तरफ से पवन सिंह को उतारने की बात हो रही थी कि पवन सिंह 6 महीने पहले बयान दिए थे कि वो आरा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और इस बीच में अब आरके सिंह का बयान है कि वो राज्यपाल नहीं बनेंगे, उन्हें बनने नहीं दिया जाएगा, तो वो लोकसभा सीट आरा से ही लड़ेंगे। देखना काफी दिलचस्प होगा कि 2024 में बीजेपी कैसे लोगों अपने नेता को मिलाकर बिहार के 40 सीटों पर जीत हासिल कर पाती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।